वेलकम टू माय चैनल। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको नरेशन भी कहते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने वॉइस पढ़ा, वॉइस के लिए टेंस बहुत जरूरी था और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स थे। उसी तरह इसमें भी टेंस बहुत जरूरी है और इसके रिलेटेड भी कुछ रूल्स हैं। और एग्जाम्स में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट दे देता है और इनडायरेक्ट में उसको चेंज करना रहता है या फिर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करना रहता है। ठीक है, मेनली डायरेक्ट टू डायरेक्ट ही आता है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे नरेशन में कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है ये समझ लेते हैं, फिर कैसे करेंगे, रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। तो स्पीच बच्चों दो प्रकार का है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट स्पीच वह स्पीच है जिसको कोई वक्ता, सपोज मैं वक्ता हूं और मैं किसी के कथन को उसी के वाक्य में बोल रहा हूं तो वो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, किसी के कथन को उसी के, जैसे अगर डायरेक्ट की बात करें तो ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, ये उसका कथन है जो मुझसे बोला था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसके कथन को उसी के शब्दों में बोला कि ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये आई एम योर फ्रेंड मैं उसी के शब्दों में बोल रहा हूं, ये मेरा शब्द नहीं है, ये मैं उसी के शब्दों में बोल रहा हूं आई एम योर फ्रेंड। लेकिन अगर मैं अपने शब्दों में बोलता तो मैं क्या बोलता, ही टेल्स मी दैट, बताऊंगा फिलहाल आप जान के रखिए कि डायरेक्ट ये है और इनडायरेक्ट ये है। ही टेल्स मी दैट ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड। अब ये एम का आई का ही कैसे हो गया, ये सब हम लोग समझेंगे। पहले ये हुआ, तो ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, मैं उसी के शब्दों में बोल रहा हूं कि वह मुझे बोलता है, क्या बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। और मैं अब अपने शब्दों में बोल रहा हूं कि वह मुझे बोलता है कि वह मेरा दोस्त है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट मतलब क्या हो गया, मैं किसी के शब्दों को, ठीक है, किसी के शब्दों को या कथनों को, स्टेटमेंट को अगर उसी के टर्म्स में बोलूं तो डायरेक्ट हो गया, और मैं अपने टर्म्स में बोलूं तो वो इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग कुछ टर्म्स जान लेंगे क्या होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, ठीक है, अभी वाला ही मैं लिखता हूं, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, इनवर्टेड कॉमा के अंदर ए आई एम योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, इसको इनवर्टेड कॉमा बोलते हैं, किसी की स्टेटमेंट को लिखा जाता है उसमें। तो इनवर्टेड कॉमा के पहले ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं आरवी, आरवी मतलब रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। और ये जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर है इसको बोलते हैं आरएस, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो ये रिपोर्टेड वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ेगा आगे। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पहचानना आता ही है, इसमें सब्जेक्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है। ठीक है, तो आरवी क्या है और आरएस क्या, याद रखना, ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रूल्स में। तो बेसिक तीन रूल्स ही है, जनरल केस में तीन रूल्स ही है। पहला है चेंज इन टेंस का रूल, फिर चेंज ऑफ पर्सन का रूल, फिर अदर्स रूल है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं, फिर एग्जांपल्स इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले चेंज इन टेंस क्या बोल रहा है, अगर आरवी यानी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो
तो टेंस में नो चेंज, जैसे मैंने ये लिखा था ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, यही मैंने सेंटेंस अभी लिखा था, आई एम योर फ्रेंड, यही लिखा था मैंने। तो ये वाला जो है ये क्या है, रिपोर्टेड फॉर्म क्या है, ये प्रेजेंट में है। तो अगर ये प्रेजेंट में है तो इसको हम लोग जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो टेंस में नो चेंजिंग होता है, टेंस में यहां पर चेंजिंग ला देते हैं। रूल ये है कि जो इनडायरेक्ट करते हैं तो हम लोग यहां पर टेंस में बदलाव करते हैं, लेकिन वो बदलाव तभी करेंगे जब ये वाला पार्ट यानी कि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो। प्रेजेंट अगर फ्यूचर में ये वाला पार्ट रहता है तो टेंस में कोई चेंज नहीं रहता है। मतलब अगर ये सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे हम लोग, ही टेल्स मी, अभी मैंने किया था दैट, मैंने किया था ही इज माई फ्रेंड, मैंने ही के साथ इज लगता है तो इज लगाया था, ही इज माई फ्रेंड, अभी हम लोग समझेंगे माई क्यों हो गया, ठीक है। तो ये टेंस हुआ, टेंस का रूल हुआ कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में आपका रिपोर्टेड वर्ब आता है तो टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर वही पास्ट टेंस में आता है तो आपको इस प्रकार चेंज करने होते हैं, अगर पास्ट टेंस में आता है तो आपको इस प्रकार चेंज करने होते हैं। अगर ये रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट में आ जाता है तो ये वाला पार्ट देखेंगे कौन सा टेंस में है, अगर ये सिंपल प्रेजेंट में आता है तो उसको सीधा हम सिंपल पास्ट में कर देंगे, और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये वाला पार्ट आता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे ये वाला पार्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे, फिर अगर सिंपल पास्ट में ये वाला पार्ट आता है तो उसको पास्ट परफेक्ट कर देंगे, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये वाला पार्ट आता है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट में ये वाला ऑलरेडी होता है तो हम उसको नो चेंज रखेंगे, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है तो भी नो चेंज रखेंगे, ठीक है। ये हुआ कि टेंसेस में कैसे बदलाव करते हैं, कब करते हैं। एक एक्सेप्शनल केस भी है, एक एक्सेप्शनल केस भी है जिसमें आरवी अगर पास्ट में रहे, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में रहे फिर भी टेंस में बदलाव नहीं करते हैं, वो है यूनिवर्सल ट्रूथ का केस, अभी हम लोग उसको समझेंगे। अब ये तो रहा टेंस की बात, अब बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है कि पर्सन चेंज इन, चेंज ऑफ पर्सन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चेंज ऑफ पर्सन में क्या समझेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, वी का अस होता है, और आई का जो है पॉजेसिव केस लेते हैं तो माई होता है, और वी का पॉजेसिव आवर होता है। तो दो तीन केसेस है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस, ये तीनों जरूरत पड़ेगा। सेकंड पर्सन में हमारा यू है तो यू का जो है यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस, और अगर पोजेसिव केस की बात करें तो योर्स हो जाता है। और थर्ड में हमारा जो है ही सी दे इट, ये हमारा हो गया सब्जेक्टिव केस का, और ही का हीम होता है, शी का हर होता है, दे का देम होता है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, और उसके बाद ये जो है ही जो हर देयर, ये पॉजिटिव केस हो गया, ठीक है। अब याद रखने वाली चीज ये है, फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन बदलता है, और सेकेंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन यानी कि ही सी इट अगर सेंटेंस में आता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन ही सी इट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो हम लोग एक और जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी सैड टू
मी सी सैड टू मी आई वॉन्ट टू गिव यू माई पेन आई वॉन्ट टू गिव यू माई पेन ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो काम हम लोग का होगा ये चेक करना होगा कि ये रिपोर्टेड वर्ब जो है वो कौन से टेंस में आता है। तो ये रिपोर्टेड वर्ब क्या हो गया, पास्ट में आ गया। तो जब भी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में आएगा तो टेंस में बदलाव करेंगे ठीक है। और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंस में, याद रखिएगा सेज टू को हटा के टेल्स करते हैं, सेड टू को हटा के टोल्ड करते हैं और इनवर्टेड कॉमा के जगह पे दैट करते हैं ठीक है। एसर्टिव सेंटेंस में, सारे सेंटेंस में नहीं, एसर्टिव में, अभी जो भी लेके बताऊंगा एसर्टिव का ही बताऊंगा। तो एसर्टिव सेंटेंस में सेज टू रहेगा तो टेल्स कर देंगे, सेड टू रहेगा तो टोल्ड कर देंगे और इनवर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा देंगे। तो सी सेड टू, सेड टू के जगह पे क्या लगा देते हैं, टोल्ड लगा देते हैं। सी टोल्ड मी, इनवर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा देते हैं। अब यहां पे चेंजिंग करना है हमको, चेंज ऑफ पर्सन और टेंस का। यहां पे आई आया है तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट कौन है, शी है, तो आई के जगह पे हम लोग कर देंगे शी ठीक है। आई वॉन्ट टू गिव यू माई पेन, अब ये कौन सा टेंस हो गया, कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए सिंपल पास्ट करेंगे, यहां पे क्या लिखा है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट करेंगे। तो ये सी वांट का हो जाएगा वांटेड, शी वांटेड टू गिव, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, मी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब मी जो हो गया ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, आई वॉन्ट टू गिव यू माई पेन ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पे, आई का, आई क्या था, फर्स्ट पर्सन था, तो आई को हम लोग क्या कर दिए, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार सी हो गया। फिर ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट था तो ये पास्ट, सिंपल पास्ट में हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। टू गिव यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो सी वांटेड टू गिव मी। फिर माई, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है और पोजेसिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी है, और सी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, सी का पॉजिटिव केस हो जाएगा हर, तो सी वांटेड टू गिव मी हर पेन। और हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लेके करेंगे तो हम लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज हो रहा है ठीक है। ये हो जाएगा चेंज ऑफ पर्सन का। और आगे की थोड़ा चीज बता देते हैं, जब सेंटेंस में दिस आता है तो उसको दैट कर दिया जाता है, दिस आता है तो दोस कर दिया जाता है, हियर आता है तो देयर कर दिया जाता है, हेंस आता है तो थेंस कर दिया जाता है, नाउ का देन हो जाता है, दस का सो हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुनाइट का दैट नाइट हो जाता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है, शैल का शुड कर देते हैं, विल का वुड कर देते हैं, कैन का कुड कर देते हैं, मे का माइट कर देते हैं। और अगर सेंटेंस में ऑलरेडी कुड शुड माइट है तो उसमें कोई चेंज जनरली नहीं करते हैं ठीक है। तो ये हुआ चेंज इन टेंस, एक बार रिपीट कर देते हैं, टेंस में तभी चेंज करेंगे जब उसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में हो, अगर प्रेजेंट फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो नो चेंज इन टेंस, और जब पास्ट में हो तो टेंस का चेंजिंग इस प्रकार करेंगे, प्रेजेंट सिंपल होगा तो पास्ट सिंपल कर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर देंगे, और अगर सिंपल पास्ट में आएगा तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आए तो नो चेंज रखना है। अब हम लोग आएंगे
एक एग्जांपल पे, ही सेड द अर्थ इज राउंड, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रिपोर्टेड वर्ब है ये क्या है, पास्ट में है। तो जब पास्ट में है तो हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा है, अगर ये रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होता है तभी हम लोग इसमें चेंज करते हैं। इसका मतलब क्या, यहां पे इज है तो वाज कर देंगे, क्योंकि इज मतलब क्या है, इज को आप वाज कर देंगे, रूल तो यही करता है हम लोग का। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, क्या लिखा है, यदि इनवर्टेड कॉमा के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आर वी यानी ये रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में रहने पर भी कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ इज राउंड, अर्थ राउंड है, और अगर वाज कर दें तो अर्थ राउंड था, ये गलत हो जाएगा। इसलिए यूनिवर्सल केस में क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो मैटर नहीं करता है, सिंपल हम उसको उतार देंगे। ही सैड दैट द अर्थ इज राउंड, सिंपल है। सैड का सैड ही लिखे क्योंकि सैड टू नहीं था। ठीक है, तो यूनिवर्सल केस का हो गया। और एग्जांपल्स लेके देखते हैं हम लोग। ही सैड आई शैल बी प्लेइंग विथ हिम, आई शैल बी प्लेइंग विथ हिम। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे ये वाला पार्ट, रिपोर्टेड वर्ब कौन सा टेंस में है, तो पास्ट में है, तो पास्ट में है तो हम क्या करेंगे, सिंपल चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेंस में बदलाव लाएंगे, पर्सन का चेंजिंग करेंगे। तो ही सैड, सैड टू रहता तो टोल्ड लगाते, सिर्फ सैड इसलिए सैड ही रख देंगे। He said, inverted comma के जहाँ पे क्या लगाएंगे, that लगाएंगे। He said that, I क्या है, I first person है, क्या है, I first person है, तो first person I हो गया, तो वो reported verb के subject के अनुसार बदलेगा। ठीक है, बार बार इस पर मैं focus इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही main है। ठीक है, subject के अनुसार बदलेगा, तो reported verb क्या है, ये है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये है। तो ही सैड दैट ही, अब यहां पे शैल का शुड हो जाता है, लेकिन ही के साथ तो शैल नहीं लगता है, विल लगता है, तो ही वुड हो जाएगा, ही वुड बी प्लेइंग विथ हिम है, हिम क्या है, थर्ड पर्सन है, हिम क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, एन का मतलब होता है नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं लाते हैं, एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, तो ही सेड दैट ही वुड बी प्लेइंग विथ हिम, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, और भी एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग, समझ में आएगा। इसी तरह हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे He said to me, they have never helped me. They had never helped me. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब को चेक करेंगे। तो हमारा ये पास्ट में है, तो सिंपल ही सेट को जगह पे टोल्ड कर देंगे, मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा देंगे। अब ये फिर पर्सन चेंजिंग में आएंगे, दे क्या है हमारा, दे हमारा थर्ड है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन मतलब एंड नो चेंज। ये 1 2 3 बाय सन याद रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, और थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, तो दे का दे ही रह जाएगा। दे हैव जो है हैड हो जाएगा, क्यों हैड हो जाएगा, क्योंकि हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है,
उसको कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, तो दे हैव का जगह पे हो जाएगा दे हैड, नेवर हेल्प्ड मी का क्या हो जाएगा, मी क्या है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इसका सब्जेक्ट क्या है, ये है, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है, दे हैड नेवर हेल्प हिम, ये हो जाएगा उसका टोटल। तो मेन चीज क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन किस हिसाब से चेंज हो रहा है, सेकंड पर्सन किस हिसाब से चेंज हो रहा है, फिर थर्ड पर्सन में क्या हो रहा है, और उसके बाद जो टेंस हो रहा है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है। ये जो चार्ट मैंने लिखा है इसको आप बहुत अच्छी तरीके से उतार लो और इसी को फॉलो करके बनाना है, ठीक है। और नॉर्मल है असर्टिव सेंटेंस में जब भी सेट टू आएगा तो टेल्स कर देना है, सेट टू आएगा तो टोल्ड कर देना, और ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा देना है, ठीक है। हम लोग और एक दो एग्जांपल करके देख लेते हैं, बड़ा एग्जांपल। तो दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, दे says to me, we have always helped you, हमारा reported verb किस में है, पहला काम reported verb किस में है, simple past simple present में है, तो सिंपल प्रेजेंट में है तो नो चेंज टेंस में, तो दे उतारेंगे, सेज टू के जगह पे टेंस कर देंगे, मी इनवर्टेड कॉमा को हटा के इसको हटा के दैट कर देंगे। अब पर्सन चेंजिंग होगा, टेंस में कोई बदलाव नहीं आता लेकिन पर्सन में चेंजिंग होता है। तो वी क्या है हमारा, वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन वी है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो सब्जेक्ट हमारा दे है, ठीक है, तो हो जाएगा दे चेंज होगा यहां पे, नहीं वही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका रिपोर्टेड वर्ब किस में था, प्रेजेंट में था, तो दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू क्या है, सेकेंड पर्सन। तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो ऑलवेज हेल्प मी हो जाएगा, यू का क्या जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये हो गया सारे रूल्स जो जनरल केसेस में अप्लाई होते हैं। तो ये सारा जो मैंने एग्जांपल बताया वो सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के लिए था, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के लिए था। इसमें आपको इंट्रोगेटिव में भी देता है, एक्सक्लेमेटरी में भी देता है, ऑप्टेटिव में भी देता है, इंपरेटिव में भी देता है। तो अगर ये आपको रूल्स पूरा आ जाता है तो उस रूल्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस सेशन में सिर्फ इतना ही, चेंज कैसे टेंसेस में होता है, चेंज अब पर्सन ध्यान से करना है, उसके बाद अदर्स को याद कर लेना है, ठीक है, ये पूरा क्लियर हो जाता है। तो मैं नेक्स्ट सेशन में जो है स्पेशल केसेस जो होगा नरेशन का वो मैं पोस्ट करूँगा।